ओके हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन चैप्टर 1 इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.2। बिफोर वी स्टार्ट वी विल सी द अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्या है इंट्रोडक्शन? देखिए, डिवीजन आपको आता है, सिंपली इस एक्सरसाइज में आपको डिवीजन करना है। डिवीजन आपको आता है, डिवीजन को चेक भी करना है कि आपने डिवीजन चेक किया है कि नहीं किया है। उसके लिए एक रूल होता है, वो देख लेते हैं। सपोज करिए आपसे पूछा जाए कि 2 से 7 को डिवाइड करिए, तो हमने 2 से 7 को डिवाइड किया, 2 3 या 6 रिमाइंडर। तो इसमें किसको क्या बोला जाता है, इनपुट क्या है आपका? आपको पता होना चाहिए ये आपका डिवाइजर। 7 क्या है? डिविडेंड। 3 क्या है आपका? क्वेश्चन। और 1 क्या है? रिमाइंडर। ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हैं, आपको नाम हो सकता आते हो, और नहीं भी आते होंगे तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, अब आपको आने लगेंगे। ओके, तो ये देखिए 7 कैसे बना, 7 कैसे आया। 2 का जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 1 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 7। 2 3 या 6 प्लस 1 7। तो यहां से आप एक जनरल फॉर्म बना सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए। आपका एलएचएस और आरएचएस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या बनेगा? 7 क्या है आपका? डिविडेंड। 2 क्या है? डिवाइजर। 3 क्या है? क्वेश्चन। 1 क्या है? रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म और डिवीजन, कि अगर डिवीजन आपने सही किया है कि नहीं किया है। आप यहाँ पर बैलेंस प्लेस करिए, उसको सॉल्व करिए, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो डिविडेंड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं वो हम फर्दर क्वेश्चंस में देख लेते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, हल्का सा इंट्रोडक्शन था, आपसे ज़्यादा ऐसे कुछ बताना नहीं है। सिंपली आपको डिवीजन आता है, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन निकालना मतलब ये वाली चीज आपको इसमें निकालनी है। डिवाइड करने के बाद क्या है? तो पहला क्वेश्चन है आपका 16 डिवाइडेड बाय, मैं इसको डिवाइडेड फॉर्म में लिख रहा हूं, माइनस 4। 16 को डिवाइड करना है माइनस 4 से। देखिए ये प्लस का है, माइनस का है, साइन आपका डिवाइड में माइनस ही आता। अगर दोनों माइनस के होते तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो साइन प्लस का आता। पर यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, इसलिए साइन माइनस का आने वाला है। 4 से 16 को डिवाइड कर दीजिए आप, 4 बन जाए 4, 4 4 जब 16, आपका आ जाएगा आंसर माइनस 4 अपॉन 1। 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर माइनस 4 रहेगा। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन बी। बी में भी माइनस 16 अपॉन 4, वही एक नंबर माइनस का एक प्लस का है, तो डिवीजन के बाद साइन माइनस का ही रहेगा। 4 से 16 को डिवाइड कर दीजिए, 4 बन जाए 4, 4 4 जाए 16। तो इन दो क्वेश्चन में आपको वो ये बताना चाह रहा है कि चाहे आपका साइन डिनोमिनेटर हो चाहे न्यूमरेटर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों में से एक नंबर माइनस का है तो आपका जो फाइनल कोएफिशिएंट आएगा वो माइनस में आएगा। इसको भी करोगे तभी जो फाइनल कोएफिशिएंट आएगा वो माइनस में आएगा। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 4। इसका भी कोएफिशिएंट माइनस 4। सी वाला देखिए, सी वाले में क्या है? माइनस 16 अपॉन माइनस 4 से डिवाइड करना है, कोएफिशिएंट निकालना है, डिवाइड कर दीजिए वो आपको कोएफिशिएंट दे देगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 से 16, 4 1 जब 4, 4 2 जब 16, आपका आंसर आ गया प्लस का 4। यही आपका कोएफिशिएंट है। अब डी वाला देखिए, डी वाले को और देख लीजिए। डी वाले में 0 अपॉन माइनस 8, ठीक है। तो किसी भी नंबर को, सॉरी, 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करिए, आंसर आपका 0 आएगा। और 0 आपका एक साइनलेस होता है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में करा भी है। 0 आपका क्या होता है? साइनलेस। इस पर साइन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए 0 के आगे ना प्लस लगाया जाएगा ना ही माइनस। 0 कैसा होता है? साइनलेस। ओके,
सिमिलरली जो आगे के क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। बस यही देखना है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक नंबर आपका माइनस का है तो फाइनल कोएफिशिएंट में भी माइनस आएगा, अगर दोनों माइनस के तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका फाइनल कोएफिशिएंट प्लस में आएगा, और अगर दोनों प्लस में है तो आपका प्लस आएगा ही। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन आप खुद से करना। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बोला गया डू द फॉलोइंग डिवीजन सम, आप इनका डिवीजन करिए एंड चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग द डिवाइजर एंड क्वेश्चन, और आप इनका चेक करके भी बताइए, अपने आंसर को चेक करिए कि वो आंसर सही है कि नहीं। चेक के लिए आप ये वाला रूल लगाते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए होंगी, तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो हमें करना भी है, तो हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं इससे, माइनस ए माइनस आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका नंबर बचेगा 42/40, 2 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, आप चाहो तो इस तरीके से कैंसिल करके इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल दो फिर डिवाइड कर दो, या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आपका ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आपने देखा होगा कि जो भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है उसमें रिमाइंडर आपका क्या आता है, 0, क्योंकि पूरे तरीके से डिवाइड हो जाना मतलब जब आप माइनस करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है। मैं बता भी दे रहा हूँ आपको, 46 42 को डिवाइड करिए, मान लीजिए मैं इस तरीके से बता दे रहा हूँ, 43 42 रिमाइंडर 0, कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर क्या आया, 0। अब आपको चेक करना है कि हमने आंसर सही निकाला है कि नहीं निकाला है, चेक करिए। चेक क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, पहले प्लेस कर लीजिए, डिविडेंड क्या है इस केस में, जिसको डिवाइड करते हैं वो आपका डिविडेंड होता है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि डिविडेंड क्या है, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर आपका जिससे डिवाइड करते हैं, तो 40 से डिवाइड कर रहे थे तो 40 डिवाइजर, कोएफिशिएंट क्या आया डिवाइड करने के बाद, 3, रिमाइंडर क्या है, 0। सॉल्व कर लीजिए, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आने चाहिए, अगर इक्वल है तो आपने सही किया, अदरवाइज आपने रॉन्ग किया है। देख लीजिए 42 43 जा 0 को ऐड करना मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना, उसको हटा सकते, 43 जा 43, एलएचएस और आरएचएस कैसे आ गए हैं आपके सेम, इसका मतलब है आपने डिवीजन सही किया है। ओके, तो ये हो गया, इसमें डिवीजन भी किया आपने, पहले डिवीजन करना था देन आपने चेक कर लिया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर बी सिंपल है, -1 से -1 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। इसमें देख लीजिए आपको बताया गया है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए आंसर क्या आता है, 0 आता है। ओके, इसको भी चेक कर लीजिए, मैं सी वाला बता दे रहा हूँ, हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो जाए आप लोगों को, 0/-5 इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो कोएफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, 0, और रिमाइंडर भी क्या आएगा, 0। इसमें चेक कैसे करोगे, इसमें भी वही लगाना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। वेल प्लेस कर दीजिए, डिविडेंड क्या है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइड किसको किया जा रहा था, 0 को, डिवाइजर क्या है, -5, कोएफिशिएंट क्या आएगा, 0, रिमाइंडर भी 0। सॉल्व कर लीजिए, 0 -5 = 0, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 0 आता है, 0+0 मतलब 0, एलएचएस और आरएचएस कैसा आ गया सेम, इसका मतलब हमने सही डिवीजन किया है। तो आप एक चीज याद रखिए कि अगर कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है इसका मतलब उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है आप
कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू।